परेशान होते हो काजिम की शर्त से? छोड़ना चाहते हैं मुझे तो छोड़ दें, डिवोर्स ही देंगे ना, कोई बात नहीं। वैसे भी शादी ने मुझे क्या दिया है? मेरा वजूद, मेरा वजूद दिया ना मां, और आपके लिए मुझसे बढ़कर तो और कुछ नहीं है ना। ये कह रहे हो, जीते रहो बेटा, तुम ना होते तो इस शादी में घुट घुट के मैं बहुत पहले मर चुकी होती। डैड को बता दीजिएगा कि मैंने मेहर का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। I'm sorry, बेटा। समरा, शहरोज का और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। वो बहुत बड़ा है तुमसे और इस घर ने उसका ब्रॉटअप किया है। उसे शादी करके तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। What do you mean? इस घर में शहरोज को एमर भाई से कम नहीं समझा जाता। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके अपने बिजनेस में उसका अपना पैसा तो नहीं लगाना। ये सारी एफर्ट मॉम की है। और तुम क्या समझती हो, वो तुम्हें लाइक करता है? तो फिर किसे करता है? उसे ही करता होगा जिसके रूम में वो सुबह से मौजूद है। यू मीन मेहर? और नहीं तो क्या, मैडम को बुखार है, उनकी केयर की जा रही है, बुखार में पट्टियां रखी जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरोज ऑफिस ही नहीं गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इसे पसंद करते हैं या शादी करना चाहते हैं। तुम भूल रही हो समरा, शहरोज मेहर को पहले दिन से फेवर कर रहा है। और देख लेना, इस लड़की के साथ मिलकर वो इस घर को और बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। That's it, भाभी, it's getting too much. बहुत बेवकूफ हो तुम, अभी भी वक्त है, सोच लो। उमेर या शहरोज, उमेर के पास सब कुछ मौजूद है और शहरोज सिर्फ मौका परस्त है।